हाँ जी बेटा, अज असी करन लगे हाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इस दे विच की आएगा, ब्लड हार्ट, ब्लड वैसल्स, आर्टरी, वेन्स, हाउ दी ब्लड ट्रांसपोर्ट थ्रू दी बॉडी एंड कंडक्ट्स दी ऑक्सीजन ग्लूकोज एक्स्ट्रा टू दी वेरियस बॉडी पार्ट। वट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज़ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सप्लाई। एक ही एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिहड़ा सप्लाई करता मटीरियल ते सैलां चो वेस्ट नू रिमूव करता। यह सर्कुलेटरी सिस्टम जिहड़ा हैगा कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इहदे विच तीन हिस्से हुंदे आ, हार्ट, ब्लड एंड वैसल एंड ब्लड। सब तो पहला असी करन लगे हाँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या हैगी है? दिस इज़ दी ह्यूमन हार्ट। यू कैन सी दिस दिस इज़ दी ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, आ की है लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर भी ये राइट ओरिकल है और ये की है राइट वेंट्रिकल। इदा हार्ट दे किन्ने हिस्से हो गए, किन्ने चैंबर हो गए? फोर चैंबरस आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। यू कैन ईजली सी इन दी डायग्राम। तो जो है ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, लंग्स चो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन राही लैफ्ट ओरिकल जाएगा। लैफ्ट ओरिकल ते डबल लेयर बाइकस्पिड वॉल्व है, ये राही की है इत्थे लैफ्ट वेंट्रिकल च चला जाएगा। और लैफ्ट वेंट्रिकल तो जड़ी हैगी आवली पल्मोनरी अरोटा दे राही। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी दे राही ब्लड की है बॉडी पार्ट्स नू जाएगा। दोबारा देखो, ओरिकल च ब्लड आंदा हैगा लैफ्ट च, लैफ्ट ओरिकल तो कित्थे जाएगा? वेंट्रिकल च, वेंट्रिकल तो अरोटा दे राही बॉडी दे पार्ट्स नू जाएगा। और हार्ट दी जड़ी ये वॉल है, इत्थे मसल्स दा एक नोड हुंदा, इत्थों सारे मसल्स की है दी वॉल दे विच मसकुलर टिशू हुंदा हार्ट दा, कार्डियक मसल्स तो बनया। इत्थे एक नोड हुंदा, इहनू की कहने एसए नोड, जिहड़ा कि वाइब्रेशन जनरेट करेगा स्टिमुलस। तो इहदे करके हार्ट जिहड़ा हैगा साडा इंपल्स क्रिएट करता हैगा और इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स दिंदा हैगा हार्ट दे वॉल नू जां मसल्स नू। इत्थे जिहड़ा ये नोड है इहनू एसए नोड कहने आ। और कई वारी इहदे विच खराबी हो जाती है तो पेसमेकर असी लगवाने, पेसमेकर लगवाया जाता है। ठीक है, हार्ट दा पहला ब्लड कित्थे आया? ओरिकल च पल्मोनरी वेन, वेन लिखिया सी पल्मोनरी वेन जड़ी हैगी है लंग्स तो प्योर ब्लड ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लैफ्ट ओरिकल जाएगा। लैफ्ट ओरिकल तो वेंट्रिकल च इत्थे आवली अरोटा दे राही ब्लड विल गो टू दी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स च पहुँच के उत्थे की करेगा ब्लड? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स का एक्सचेंज होएगा विद दी सैल। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटीरियल एक्स्ट्रा दैट विल बी कलेक्टेड इन दी वेन्स, एक्सचेंज ऑफ दी मटीरियल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम दी वेरियस बॉडी पार्ट। ब्लड विल कम थ्रू दी दिस, लाइक दिस इज दी वीना केवा, इधर राही राइट ओरिकल च, राइट वेंट्रिकल च, राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी आर्टरी च जाएगा। ठीक है, इदा डबल सर्कुलेशन होंदी है ह्यूमन हार्ट दे विच क्योंकि फोर चैंबर है। इधर की होएगा ऑक्सीजनेटड ब्लड होएगा ऑक्सीजन वाला, तो इधर की होएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होएगा डी ऑक्सीजनेटड। इधर ऑक्सीजनेटड डी ऑक्सीजनेटड द मीनस बिना ऑक्सीजन तो। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जिहड़ा होएगा ब्लड होएगा ब्लू कलर का होएगा, इधर की है रेड कलर का होएगा ऑक्सीजनेटड ब्लड जो हैगा। ये सीगा हार्ट दे विच। और तुसी ध्यान नाल देखो इत्थे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन एक इदां दी वेन हैगी है
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਲੰਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰੀਕਲ 'ਚ, ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਥ ਫਰੋਮ ਲੰਗਸ ਟੂ ਹਾਰਟ ਚੈਂਬਰਸ, ਦੈਨ ਦੀ ਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਠੀਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀਨਾ ਕੇਵਾ ਵੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਇਸ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਇਆ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵੇਨਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦੀ ਵੇਨਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈੱਡ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲੂ ਇਨ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੇਨਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਫਰੋਮ ਔਰਗਨਸ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਹਾਰਟ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗਾ ਲੰਗਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਲੰਗਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਟੂਵਰਡਸ ਲੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਲਸੋ ਹੇਅਰ ਲੰਗ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੰਗਸ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਰਟਰੀਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਂਬਰਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਂਬਰਸ, ਅਤੇ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ 3, ਯੂ ਕੈਨ ਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਚੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਔਰੀਕਲ, 1 ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਪਰ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਪਟਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਚੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ। ਅਮਫੀਬੀਅਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ 3 ਚੈਂਬਰ। ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਬਰਡਸ, ਮੈਮਲ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ 'ਚ, ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦਾ, ਬਰਡਸ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਮਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਚੈਂਬਰ। ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਦਾ ਹਾਰਟ 3 ਚੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪਟਾਈਲਸ 'ਚ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਵੀ 3 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਪਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਚੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
फिश दे विच वन चैम्बर, इको ही चैम्बर दे विच जांदा। एम्फीबियन दे विच थ्री चैम्बर, एम्फीबियन ते रेप्टाइल च जो हार्ट है थ्री चैम्बर्स ते दा होएगा, और थ्री चैम्बर्स होंगे। ठीक, मैमल्स क्रोकोडाइल ते बर्ड्स दे विच फोर चैम्बर्स होंदे आ। हार्ट दे डबल सर्कुलेशन असी देख चुके हाँ। एसए नोड दे बारे, इत्थे एसए नोड हुंदा जितों मसल्स जाणगे, मस्कुलर वॉल बनांदा। ये की देगा, इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स देगा जिस ते करके साडा हार्ट कंट्रैक्ट ते रिलैक्स करदा। कई बार इंपल्स भेजता हैगा, मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक मीनस इलैक्ट्रिकल करंट दे थ्रू ये मसल्स दे करके हार्ट बीट करता हैगा। कई बार ऐसे नोड च खराबी हो जाती है तो सर्जिकल ग्राफ्टिंग राही असी की है पेसमेकर लगा सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट 70 to 72 मिनट पर मिनट ठीक है बीट करता हैगा। पर भी एक बेबी, न्यूबॉर्न बेबी का 140 पर मिनट हार्ट रेट हैगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 170 to 200 per minute ठीक है हार्ट बीट होएगी, जहाँ हार्ट की है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। उस तो बाद आ गया आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी की करेगी ये ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी। और वेन्स की है, यू कैन चेंज ऑल्सो कलर, वेन्स की है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैके जाएगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर दिया होनगियाँ। आर्टरीज जड़ियाँ है रैड कलर दिया होंदिया है। एक्सेप्शनल केस सिर्फ इत्थे है वी पल्मोनरी वेन जड़ी हैगी है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लैके आ रही है, तो आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लैके जा रही है टूवर्ड्स लंग्स ठीक है। लंग्स तो लैके आ रही है, लंग्स दे लंग्स तक लैके जा रही है ब्लड नू। बाकी बॉडी च आर्टरीज जड़िया ऑक्सीजन वाला ब्लड लैके जान गया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज ने ठीक है ब्लड लैके जाना है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड नू, ता इन्हां दी जड़ी आहां वॉल है ये की होएगी थिक होएगी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुंदा हैगा। पर एज कंपेयर टू आर्टरी जड़ी है वेन है उन्हां दी वॉल जो है वो की है थिन होएगी, और इन्हां दे विच वॉल्व लगे हुंदे इदां वॉल्व ताकि ब्लड की है बॉडी ऑर्गन्स तो टूवर्ड्स द हार्ट यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर सके। वॉल्व्स लगे होंगे ताकि ब्लड जो है बॉडी च यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर सके। उस तो बाद हीमोग्लोबिन की अमाउंट एक नॉर्मल फीमेल दे विच, वी विल टेक द ब्लैंक पेज, एक नॉर्मल फीमेल दे विच हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी होंगी है 13.52% मेल दे विच 14.5 to 15.5% एंड इन दी फीटस दे विच हीमोग्लोबिन दी अमाउंट किन्नी होएगी 23 g/100 ml होएगी ठीक है। आर्टरीज ते वेन, आर्टरी दी जड़ी दीवार है वो की है थिक होएगी क्योंकि इन्हें ब्लड नू की है फ्लो कराना फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, और वेन्स दी जो है वेन ने ब्लड नू की है लैके आना है, ये वॉल्वस होनगियाँ इदा ताकि ब्लड की है बॉडी ऑर्गन्स तो हार्ट करनी यूनिडायरेक्शनली फ्लो करे, इन्हों दी वॉल जो है थिन है ठीक है। ये डिफरेंस है आर्टरीज ते वेन्स च। उस तो बाद आ गया ब्लड प्रैशर। ब्लड प्रैशर नू असी एक इंस्ट्रूमेंट स्फैगनो मोनोमीटर दे नाल मेजर करते हैं। स्फैगनो मोनोमीटर आ पहला पुराने जमाने दे ठीक है दिखाए है मरकरी, तो साढ़े अपर बॉडी पार्ट्स दे करके अपर ब्लड प्रैशर होएगा और लोअर लिम्स दे करके
लोअर ब्लड प्रेशर होएगा तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दा 120 बाय इन्ने मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यह मरकरी दे प्रेशर दे हिसाब नाल, क्योंकि आ एक बैरोमीटर लग्या होया दे विच, ते यह की है मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे अकॉर्डिंग 120 बाय 80। असी कहने ना साडा उपरला ब्लड प्रेशर वध्या होया है, निचला इन्ना है, तो अपर बॉडी पार्ट्स ते लोअर बॉडी पार्ट्स का ब्लड प्रेशर है जेडे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नाल मापदे आ, उनू मेजर करदे आ ब्लड नू, उनू स्फेगमोनोमैनोमीटर बोलते है, स्फेगमोनोमैनोमीटर बोलते है। इस तो बिना हार्ट दियाँ कई डिजीज़ हो जाती, एक तो तुम दसी सी एस ए नोड, अगर इंपल्स नहीं भेज रहा, इनएक्टिव हो गया तो असी पेसमेकर लगावे। ठीक है, इस तो बिना भी हार्ट दियाँ कई डिजीज़ हो जाए, लाइक जिमें ब्रैडीकार्डिया, इस हार्ट रेट की है डिक्रीज कर जाएगा, ट्रैकी कार्डिया दे विच हार्ट रेट की है इनक्रीज करेगा, और हार्ट ब्लॉक कई बार साडिया आर्टरीज वगैरह इन्होंने प्लाक जम गया। ठीक है, ये करके हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ज ब्लड हार्ट बीट प्रॉपरली वेंट्रिकल्स च नहीं जाएगी, और ब्लड जड़ा है प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू डिपोजिशन इन आर्टरीज, कोई फैट वगैरह की डिपोजिशन, कोलेस्ट्रोल की डिपोजिशन करके, और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यह की है, ये आर्टरी दे विच किते भी क्लॉट जम जाए फैट दा, कोलेस्ट्रोल दा, इदा करके तो ब्लड की है प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, इनू कोरोनरी थ्रोम्बिस कहने आ। बट इस सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया थोड़ा दसिया है आर्टरीज, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, जड़िया आर्टरीज है वह ब्लड नू लैके जानगियां फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ते इन्हां दी वॉल किया होएगी, थिक होएगी, इलास्टिक होएगी। ठीक है, वेन्स जड़ियां हैगियां ब्लड नू बॉडी पार्ट्स तो हार्ट कन्नी लैके जानगियां बैक च, तो इहदे विच इह इन्हां दी वॉल थिक नहीं हुंदी, क्योंकि इन्हां ने ज़्यादा प्रेशर नहीं इन्हां नू चाहिदा, और इन्हां दे विच वेन्स दे विच क्या होणगे वॉल्व्स। ठीक है, होणगे दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तदों बाद आ गया ब्लड, वट इज़ ब्लड, ब्लड की है प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्लाज्मा मीन्स कोलाइडल, इट इज़ द कोलाइडल सोल्यूशन हैगा, कोलाइडल घोल हैगा, सोल्यूशन हैगा। ठीक है, तो ये असी प्लाज्मा हो गया जिहदे विच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैगे है। तो ब्लड दे विच मतलब मैट्रिक्स जो ब्लड दा हैगा येलो कलर दा होएगा, इहदे विच आर बी सीस पए है, डबल्यू बी सी होणगे। ठीक, आर बी सी है, डबल्यू बी सी है, प्रोटीन दे फाइबरस पए हैगे है, इदा करके ब्लड दे विच क्या क्या है, आर बी सीस, डबल्यू बी सीस, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल, विटामिन्स, एक्स्ट्रा वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एक्स्ट्रा, तो इदा यह ब्लड की है एक कोलाइडल मिक्सचर है गया। आर बी सीस दे विच क्या होंगे, आयरन होएगा, हीमोग्लोबिन होएगा, हीमोग्लोबिन दे करके यह ऑक्सीजन नाल कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, तो इन आर बी सी दे थ्रू की है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होंगी है। डबल्यू बी सी जड़े है ये क्या करेंगे,
इनगल्फ करनगे, कोई बैक्टीरिया वायरस सैलां दे विच आ जांदा है उहनूं इनगल्फ करनगे, इम्यूनिटी मेनटेन करदे हैगे, इम्यूनिटी वधांदे है। प्लेटलेट्स तुहाडी किते वी वैसल है, आर्टरी है, ब्रेक हो गई एक्सीडेंट दे दौरान, तां इत्थे की है प्लेट्स प्लेटलेट्स इकट्ठियां हो जाएगियां, इत्थे इस जगह ते प्लेटलेट्स क्या इकट्ठियां हो जाएगियां, तां इह क्लॉटिंग करन च हैल्प करदियां हैगियां। आर बी सीज ऑक्सीजन नूं कैरी करेगा ते कार्बन डाइऑक्साइड नूं सैलां तों बाहर लैके जाएगा थ्रू दी ब्लड, तां ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड दा एक्सचेंज च हैल्प करदे है। डबल्यू बी सीज इम्यूनिटी वधांदे है, ठीक है। आर बी सीज की अमाउंट ज़्यादा होंगी एज़ कंपेयर टू, और प्लेटलेट्स की है ब्लड की क्लोटिंग, जिते भी इंजर्ड क्लोटिंग हैल्प करते हैं जख्मों भरन, जिते भी इंजरी होएगी उत्थे प्लेटलेट्स की है इकट्ठिया हो जाएगी। इस तो बिना प्रोटीन दे फाइबर्स मिनरल वाटर एक्सट्रा एक की है वाटर च ब्लड दे विच होंगे है, ठीक है। इदा ब्लड की कंपोजिशन तुसी कर सकते हो स्फैगनो मोनोमीटर दे बारे स्फैगमोनो, और दिस इज ये दिखाया इस डायग्राम च, ब्लड की है लंग्स तो, ठीक है, लंग्स तो प्योर ब्लड ओरिकल जा रहा है, सॉरी ब्लड क्या है ओरिकल च आ गया, ओरिकल तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल तो अरोटा दे राही बॉडी पार्ट्स नूं जा रहा, उत्थे जाके आर्टरीज की है अगे फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगियाँ इंटू दी स्माल वन सेल थिक कपिलरीज बनानगियाँ, वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फ्रॉम दी कपिलरीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटीरियल आर कलैक्टड, ठीक है। उत्थे ते आह जड़ा हैगा डीओक्सीजनेट ब्लड वो की है हार्ट दे विच आ जाएगा, हार्ट दे ओरिकल तो वेंट्रिकल, ठीक है। इत्थों ये पलमोनरी आर्टरी राही कित्थे गया, पलमोनरी आर्टरी राही लंग्स च गया लंग्स तो प्योर ब्लड फिर कित्थे आ गया हार्ट दे विच आ जाएगा, दिस इज द लंग, ठीक है। इदा सर्कुलेशन होंदी है, ये सिर्फ हार्ट ते बॉडी पार्ट्स की दिखाई है इन्होंने, लंग्स दे नाल इत्थे एक लंग्स बना लो, ठीक है। आह इधरों पलमनरी आर्टरी राही ब्लड की आ रहा है, पलमनरी आर्टरी राही लंग्स च आ रहा है, तो इत्थे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, तो पलमनरी वेन राही हार्ट च वापस आ जाएगा, तो यह विद दी लंग्स हैगी है, ब्लड सर्कुलेशन विद दी लंग्स हैगी है। दिस इन दिस डायग्राम ओनली शोन सर्कुलेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स इन दी सेल्स ते हार्ट दे विचकार सर्कुलेशन किवें हुंदी है, अपर पार्ट्स च दिखाया हैगा कि पल्मोनरी हैगा ना पलमोनरी आर्टरी जड़ी हैगी लंग्स च ब्लड लैके जा रही हैगी है, पलमोनरी वेन की है वापस लैके आ रही है, दिस इज़ दी स्पेशल पॉइंट यू टेक ईजली इट, ठीक है। दिस इज़ दी हार्ट स्ट्रक्चर, हाँ ओरिकल है ओरिकल वेंट्रिकल, इधर भी ओरिकल आ गई है वेंट्रिकल, ये क्या है ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इधर डी ऑक्सीजनेटड ब्लड है, और पलमनरी वेन राही ऑक्सीजन वाला ब्लड इतों आया, ठीक है। ओरिकल तो वेंट्रिकल च ते अरोटा राही सुपीरियर अरोटा राही बॉडी पार्ट्स नूं चला गया, बॉडी पार्ट्स तो डीऑक्सीजनेटड ब्लड ओरिकल च वेंट्रिकल च, वेंट्रिकल तो पलमनरी वेन राही लंग्स च, ठीक है, लंग्स तो फिर पलमनरी वेन राही फिर हार्ट च, इदां बॉडी पार्ट्स च बॉडी पार्ट्स तो, ठीक है, ओरिकल च राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल तो लंग्स च लंग्स तो फिर पलमोनरी वेन्स राही, यू कैन सी दी पाथवे ऑफ लाइक दिस, इतना इनू की कहने डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, मे आई रिपीट अगेन, ठीक है। ओरिकल तो देखो इतने लंग्स तो इतों शुरू कर लो, पलमोनरी वेन राही ओरिकल की है वेंट्रिकल
ਬਲੱਡ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਅਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਪਿਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ, ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਸ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਈ ਵਰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਜ਼ਲੀ, ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹਾਊ ਦੀ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਥਵੇ ਆਫ ਦੀ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਅਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਔਰੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਬਲੱਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪੰਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਔਰੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਅਰੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਟੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਲਸੋ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗੇਨ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਬਲੱਡ, ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਲੂਇਡ ਮੀਡੀਅਮ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਸੀ, ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੂਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਵੇਸਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਸੋਲਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਓ, ਔਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਥਰੋ ਦੀ ਵੈਸਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਸੀ ਦੀ ਚੈਂਬਰ, ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਵੇਨ ਵਗੈਰਾ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੰਗਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਗਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਗਮੋਨੋਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦਾ 120/80 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਫ, ਲਿੰਫ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਰਲ ਸਪੇਸਿਸ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸਪੇਸ ਬਚੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿੰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
लिम्फ होएगा और ये जड़ा है लिम्फ वैसल्स के फ्लो करता है, जिवें साड़ी बॉडी सारे आर्टरीज ते वेन्स दियाँ वैसल्स हैगी हैं, इस तरह लिम्फैटिक कपिलरीज वगैरह हो गया लिम्फ ड्रेन्स इनटू द ठीक है लिम्फैटिक कपिलरीज। वाइट कलर का फ्लूड है ट्रांसपोर्ट दे विच हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।